गाइस गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। तो हो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बड़े होंगे गाइस। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और गाइस, हो गई कॉलेज जाने के लिए रेडी। और गाइस, मैंने बताया था ना आपको पिछले ब्लॉग में कि हमारा फंक्शन है 11 तारीख को। तो गाइस, वो जो फंक्शन था ना वो कैंसिल हो गया है। पता नहीं क्यों हो गया कैंसिल, वो भी हमें अभी तक पता नहीं है। बट इतनी कॉल आई है कि कैंसिल हो गया। सुबह सुबह उसको कॉल करती कि सुनो फंक्शन कैंसिल हो गया। गाइस मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि अच्छा कैंसिल हो गया, नहीं तो गाइस कौन ही वो डांस करता। करना तो पड़ेगा बट बाद में होगा, बट आज नहीं होगा ना, तो अच्छा है। और गाइस ना, मैं एक बात बताऊँ आपको, बहुत बहुत खुशी की बात है। गाइस जो ऑडिशन नहीं दिया था चारू नहीं सॉरी प्रीति और अर्शिया ने मिस हिमाचल के लिए, तो गाइस वो दोनों ही मिस हिमाचल के ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई है। अब गाइस उन्हें आगे जाना है, मतलब बहुत बहुत खुश हूँ मैं तो कि अच्छा हुआ। ओके गाइस ना, तो आप सभी भी कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर देना कमेंट सेक्शन में। और गाइस अभी मैं भी रेडी शेडी हो गई हूँ कॉलेज जाने के लिए। और गाइस कल था ना संडे, पिछले कल तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि गाइस मेरी तबीयत नहीं थी ठीक ना, तो मैंने रेस्ट करी पूरा दिन, तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा। और मेरे को पता किसकी कॉल आ गई, तो गाइस मुझे आई कॉल लप्पू की कि तू कॉलेज आ रही है कि नहीं आ रही है। गाइस आना उसने होता नहीं है कॉलेज, मतलब आजकल कम ही आ रही है वो कॉलेज, बट पूछना होता है कि हाँ तू आ रही है कि नहीं आ रही है, बस ऐसी आ रही है। देखो गाइस मैंने मेहंदी लगाई, रुको मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो गाइस मैंने लगाई थी कल खुद को मेहंदी, बेली थी ना मैं कल गाइस, तब ब्लॉग तो बनाया ही नहीं, ऊपर से सो रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ, फिर मेहंदी लगा ली गाइस। तो अब चलते हैं गाइस फटाफट से कॉलेज और करते हैं जाके वहाँ पे मस्ती। गाइस तो मैं आ गई सुबह सुबह ही अंकल जी के पास, इधर अंकल से गप्पे शप्पे मारने क्योंकि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है अभी। गाइस मिलिए इस पांडे से। गाइस कितने टाइम के बाद आई है कॉलेज। हाँ दो क्या, हाँ दो दो ढाई हो गए। गाइस इतने दिनों बाद आई, क्या हुआ? अच्छा लग रहा है। हाँ सभी से बहुत अच्छी इम्पोर्टेंस मिल रही है ना इसको, सभी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं इसकी। क्यों श्रेया कैंटीन वाले अंकल भी? हाँ हाँ। और गाइस ये बीमार हो गया है आकाश, आकाश गाइस रात को इन्होंने सोना नहीं है ना। हाँ चल चल डॉक्टर के पास, इधर देख गाइस बीमार हो गया, देखो इसकी आंखें, फिर भी कॉलेज आ रहे हैं अंकित प्रधान गाइस। कौन हेलो गाइस, हेलो गाइस गाइस घर में ही बीमार हो गया भाई, जो नया रोड जहाँ से निकला है ना, तो सच्ची तेरी आँखें खतरनाक लग रही हैं। नया रोड तो पूरे रोड़ा का नहीं रोड़ा भाजी। फोन एयरफोन गाने सुन, फोन लाए था ना जो सुन ले। अरे साहिल बोसवाल सरकारी स्कूल है ना? हाँ सरकारी स्कूल से। अंकल जी अंकल जी जरा इसके पैसे लिखियो। गाइस मैं जबरदस्ती बना सकती हूँ, ये हमारे सीनियर है गाइस। गाइस ये कहाँ से आपको हमारे सीनियर लगते हैं? गाइस हम लोग आज बिना काम से कॉलेज आए हैं और देखो कैसे घूम रहे हैं। और ये गाइस आज कल लड़की बहुत बिजी रहती है, चैटिंग में फंसी रहती है। उधर किसके भाई मेरे को मैसेज आया था शॉप से ले। अच्छा दिखा दिखा, ये देख ये बोल रहा था कि नाम नहीं बताऊंगी कि हाँ नंबर नंबर दे भाई काम। अच्छा वो एक का चला ट्रैक का, एक थे ओके एक क्लास लग रही है चला नहीं चला क्लास। मैंने भी ऐसे बोला दूसरी साइड से चलो, पर ये गाइस मेरी बात मान के कहाँ है लोग क्या बोल रहे साइड पे जा झूठ बोल लगे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ गाइस। गाइस ये पल्लू मेरे को बोल रही ना, तू एक दो दिन से बात नहीं कर रही,
कॉल वगैरह नहीं कर रही, तो किसके साथ बातें कर रही है? गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है पल्लू, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ। मेरे को बोलती है क्यूट क्यूट लड़कों के साथ बैठती है। अब समझाना किसके साथ बैठी थी, किसको बोल रही है ये। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब मेरे दोस्त हैं, अच्छे हैं बहुत सब। ये ऐसी क्योंकि मेरे को टाइम लग रहा था दो दिन से ना, मैं उसको कॉल नहीं कर पाई, तो ये सोचने लगी पता नहीं कहाँ बिजी हो गई। पता ही है आपको जैसी तो होती है दोस्तों को। अब हम जा रहे हैं नीचे, हम यहाँ पे बनाएंगे रील वीडियो वगैरह, और बस मेरे तो फोटो लेते नहीं है गाइस, ये अच्छे अच्छे खुद के ही लेते हैं। पायल और दीपिका का दिमाग खराब हो गया है, कब से लगी हुई है फोटोज खींचने में। टोबो एक और मुंड आकाश तू खड़िए जा, आकाश है खींच रहे ना, घर दारा चुप रहा है जा रहा। गाइस रोप दिया कि द्रोप चार पांडव आए एक यार तू द्रोप जा पांडव तू भी चले द्रौपदी आएगी वापस। गाइस देखो सूजल इसकी क्लास है। सब पागल है यहाँ पे, मैं पागल हो गई उनके बीच में, मुझे कहीं दूर जाना है, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं पहाड़ों पे जाना चाहती हूँ, हिमालय पर्वत पर चली जाऊँगी थोड़ा टाइम में। गाइस मैं गाइस चिज्जी खा लो गाइस। और इस लड़की ने बोला था कि मैं कॉलेज नहीं आऊँगी और ये पहुँच गया के। गाइस मैं आपको संजना जी बैठे हैं गाइस। गाइस ये लेट थी तब बोला था मैंने इसको। और गाइस ये देखो पार कुछ ज़्यादा बन रहे हैं गाइस, तीन लोग बैठ के अच्छी बात है, सभी का टाइम है बनने का, बनो बनो है ना, है ना। गाइस ये दोनों आई कांटेक्ट कर रहे हैं, देखो इसकी आंखों से पानी भी निकल गया। पागल बस कर, ये भी रो पड़ा। इससे क्या होया गाइस, तो ना हम चल पड़े अभी वापस नीचे इसके रूम। गाइस अभी हम 11:30 ही हुए हैं और हम चल पड़े हैं गाइस, क्योंकि क्लास लिस्ट तो थी कोई, और ऊपर से गाइस मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी ही है खराब सी आज, तो इसने बोला कि रूम चलते हैं उधर रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, फिर जब बस का टाइम होगा तब हम चले जाएंगे, है ना। किसी को भी मैं कहीं भी दिखती हूँ तो मेरे से बात कर लिया करो, मैं बहुत बहुत खुश होती हूँ। ऐसा मत सोचना कि ये बात नहीं करेगी, मैं हमेशा बात करूँगी, हमेशा बात कर लेना। और अंशु की मासी भी हाँ कर लेना, अगर मासी जी अगर आप आओगे तो मेरे से बात कर लेना। हाँ अगर आपको मैं दिखूँगी तो मेरे से मेरे को आवाज़ लगा देना, मैं आ जाऊँगी फटाफट से कि हाँ अंशु की मासी है। हाँ किसी को भी कहीं भी दिखूँगी मैं तो मैं कर लेना बात, है ना। खुद ही आवाज़ लगा दिया करो गाइस मुझे, क्योंकि मैं ना अरे परे बहुत कम देखती हूँ, अपनी धुन में चली होती हूँ कई कई बार तो मैं देख लेती हूँ। ऐसे ऐसा मत सोचना कि इसमें एटीट्यूड है ये है वो है, तो मेरे में गाइस बिल्कुल भी नहीं है। और तो मैं थक गई अब, यहाँ पहुँच के मेरे को ये की याद आती है
बंदर की याद आती है और नीचे जैसे मनु की याद आती है। जब भी हम यहाँ पहुँचते हैं तब मतलब बहुत याद आ जाती है। ऐसा सभी हुआ था हमारे साथ बड़े गंदे तरीके से। सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, हवा चली हुई थी ठंडी ठंडी, और अभी इतनी ज़्यादा धूप निकल गई है। तो हम आगे इसके रूम में, और गाइस हम लेके आए बाहर से खाने के लिए, क्या लेके आए पांडे? ये इतना सारा पानी, दो बाहुए मेरे को पागली। हम गाइस गोलगप्पे और बर्गर लेके आए, एक और पानी होना पीना है। मैं पीऊंगी यार, भैया ने तो बहुत ज्यादा डाल दिया, मैंने तो उसको इतना बोलना भी नहीं था। वो बर्गर गाइस तो हम गाइस बाहर खा के नहीं आए क्योंकि हमने बोला है हम बाहर की चीजें बंद कर रहे हैं, तो हम बाहर के खाना गोलगप्पे हमने बोला है कि हम बाहर की चीजें बंद कर रहे हैं, तो हम अंदर आके खा रहे हैं गाइस। ओके गाइस लेके आते हैं, और गाइस हमारे एग्जाम भी आ रहे हैं अब, तो हमें पढ़ना भी पड़ेगा। और क्या बोलते हैं गाइस, थोड़ी सी ब्लॉगिंग थोड़े दिन टाइम के लिए बंद भी हो सकती है क्योंकि गाइस पेपर है फाइनल, तो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। खाना पांडे अच्छा है। यार एक तो मुझे ब्लॉग बनाने से तो मेरे को बहुत कॉल जाती है यार। गोलगप्पे वाली खा, गोलगप्पे वाली स्टाइल से खा रही है लड़की, ऐसे तो गाइस मैं इतने गंदे तरह से खा रही है। ऐसे मत देख, मैं डर जाऊंगी गाइस। बहुत टेस्टी है ये गोलगप्पे, उफ क्या टेस्टी, मैं क्या ही बोलूं। कुछ मत बोलिए, खाने का काम कीजिए। ये है गोलगप्पे वाली, इसने न्यू स्टॉल लगाया गाइस, यहाँ आ जाना आप सभी इसके रूम, गोलगप्पे खाने, बहुत ही यमी यमी गोलगप्पे हैं। और ये देखो गाइस, और ऐसी गोलगप्पे वाली आपको कहाँ मिलेगी जो जो कि गाइस खुद अपने हाथों से खिला रही है। उफ क्या स्वाद है, खाओ गाइस ऐसी गोलगप्पे वाली ना कहीं नहीं मिलेगी आपको, पूरे हमीरपुर में ढूंढ के नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको इधर ही मिल सकती है ये मृदुल चौक के पास। गाइस मजा आ गया, ऐसा मजा गाइस बाहर खा के नहीं आता जितना घर में ऐसे बड़े बड़े खाने में आता, वो तो फटाफट देते हैं ना। हो गए गाइस इसका मेकअप शेकअप, गाइस वो तो करती नहीं है ना ये। गाइस मैंने मुंह धोया। क्यों धोया, ये लगाया क्यों धोया तूने? तो क्यों ये रहा, इतना अजीब लग रहा सफर करने आ उस बेर को पागल। गाइस घर से आई ना आज ये, ओ यार थक गए हैं गाइस, और मेरे को बहुत टेंशन हो रही पेपर्स की। अब होली भी आने वाली है, कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करो बेटी हैं, बेटी पढ़ो, होली भी आएगी। एनुअल फंक्शन गाइस अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उसका भी पता नहीं है अभी कुछ। गाइस पिछली बार होली में इसके कुछ अजीबोगरीब फ्रेंड्स थे, उन्होंने बेवकूफों ने ऐसे रंग लगा दिए, मेरे को बड़ा गुस्सा आया था। गाइस क्या हो गया, तो मुंह तोड़ दूं मैं यार, मेरे को अच्छा नहीं लगा यार, पता नहीं कौन छपड़ी था जो ब्लॉग देखा।
नहीं गाइस ऐसे सभी को लगा थी, मेरे को इतनी गंदी तरह से गंदा करा था ना, इसने तो रूम आना था, मैंने तो घर जाना, तो सोच में कितनी गंदी करी थी उन्होंने मेरे को। फेमस लोग तब नहीं बनाते थे हम ब्लॉग्स, है ना, फर्स्ट ईयर से बनाते तब बहुत अच्छा, तब तो हमारे पास बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, तो अब भी हो जाएगी। यस गाइस, गाइस अब ना हम वीडियोस बनाएंगे, एक रील बना लेते हैं। गाइस देखिए स्मार्ट का हाल कैसे हो गया ये। गाइस गाइस हमने बोला हम सो जाएंगे, बट सोए नहीं गाइस, गप्पे मारते रहे। अब नींद आ रही गाइस, जब टाइम हो गया जाने का, मेरी सब्जी भी लेनी है, चल पड़। क्या अंश उठने लग गया रहा तेरे पर ड्रामे की उठ। गाइस सच में अब आ रही है मेरी नींद, पहले तो हमने गप्पे सच्ची बहुत बढ़िया होना आ जा रहा है ना, जब टाइम हो जाता है तब ऐसे ही नींद आती है यार, सुबह भी ऐसे होता मेरे साथ। तो गाइस चलो उठ, अब उठ उठ अंश, तू तू उठ तू उठ पांडे पांडे, श्री पांडे को तो गया, गायब हो गया वो, मेरी आंखों का भी करवा दो, कल बैठा भूल वो ले आया फूल वो, उससे कहो जाए चांद लेके आए मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे जाए। यार अब होगा कॉलेज में फंक्शन, हो कि नहीं होगा पता नहीं यार, आज हम नहीं तो दोबारा से दुल्हन बन रही होनी थी, कैंसल ही हो गया। दुखी हो गाइस, देख तो मेरा कल्चर, मतलब जो हमारा कल्चर है ना, वही डांस में दुखी कर दिया गाइस, ये हमारा कल्चर है यार, ये करना ही पड़ेगा, जो भी फंक्शन होगा कॉलेज में, चाहे छोटा बड़ा जो भी होगा ना, हम दुल्हने बनेगी बनेगी ही बनेगी, मतलब ये डांस हो गई होगा। चाहे जो मर्जी हो जाए, उससे कहो जाए चांद लेके आए, उन मेरे मुंह से ही गाना रहना पूरा। हमने रील्स बनाई गाइस, देख लो इंस्टाग्राम पे जाके। उठी जा गाइस, सो रहे थे रेडी और चलते हैं गाइस, कैसे आगे फोन बंद करते चलते हैं ना मुंबई मार्केट में नीचे, तो चल पड़े हैं हम लोग अभी गाइस, थोड़ी देर घूमेंगे और उसके बाद गाइस लेंगे बस, पूरा मुंह गंदा कर दिया था गाइस इसने, क्या मर गई, अच्छा मनु कहाँ, मनु भी आया गाइस, और देखो कैसे चला हुआ है, बिग फैंस हो अच्छा खा ले, जुकाम हुआ है मुझे देख ले, ओए होए होए ऊपर गुड़ा बैठा तेने कैंटीन ना, कैंटीन ना खाली आई स्कूल देर थल ले नहीं आ, आप सुन को बताओ जरा, थैंक यू खानी मैं सारी आइसक्रीम नीचे पेगी यार, चल आंचल खा ले दे तो छोड़, आप रिव्यू दें जरा आइसक्रीम कैसी है, ये मेरी फेवरेट है, कितने रुपए की है, 10 की 10 रुपए 10 ही खुद ले, ये छठ जी ही है, अच्छा ओके ओके आइए गांव जाओ, ठंड भी ना मैं 10 साल, ठीक है बाय बाय, फोन फोन क्या फोन बाय, मैं अगला अगला ब्लॉग गाइस हम कंटिन्यू करते हैं अपने घर की तरफ, बाय आप पायल जी को बाय करते, बाय कर कार बाय कर मीनाक्षी, बाय डॉने, बाय अंशु, बाय अनन्या, बाय, ठीक है आइसक्रीम खा चुके हैं,
बाय ठीक है पल्लू बाय। हम पल्लू को छोड़ के आ चुके हैं और ये भाग आगे आगे भाग रही है। ठीक है उइयो हूँ अगला कंटिन्यू मैं करता ब्लॉग, अगले ब्लॉग मैं कंटिन्यू करता। बाय टाटा टाटा मिलते हैं अगले दिन पायल जी। कल तक का ब्लॉग हम बना लेंगे। नहीं नहीं मनु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको किसी और दिन में आप अपना फोन दूंगी। बाय बाय। खाना नहीं 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 मेरा टेस्ट उस आइसक्रीम का है। बाय 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 पांडे गाइस जा रही है ये भी और मैं भी जाती हूँ इधर से। बाय बाय। अब गाइस मैं भी चलती हूँ स्टैंड और लेती हूँ स्टैंड में जाके बस। गाइस अनुराग भैया आए हुए हैं इधर। हेलो गाइस, ये तो गोविंद ले आया हमारे को अपने साथ। गाइस हेलो फ्रेंड्स, गाइस भैया भी आए हैं और गाइस गोविंद भैया आए हैं मुझे न्योता देने शादी के काम। मुझे आए हो? हाँ आपको ही आए हैं फिलहाल विद फैमिली, पर हम आपकी कलाकारी देख रहे हैं। ये जो आपने फोटो लगाए हैं गाइस, इनका फोटो भी लगा हुआ है ना तब देख रहे हैं वो सबसे ऊपर हमारा। हाँ गाइस, और ये तो ऑटोग्राफ दिया है मिस्टर अनुराग जी ने। कॉन्टेक्ट करे दिखा दिया मैंने वो पहले ही। गाइज ये अभी गोलू का फोटो ले रहे हैं। गोलू देख ले तेरे दोस्त यहाँ आके तेरे फोटोज ले रहे हैं कि हम इसके फोटो लगाएंगे। भाई मेरा अल्लाह बता रुका ओ ओ ऊपर ऊपर और दस ये तेरे फनी फनी फोटो मम्मी ने आ लिया नीचे बैक का छपा रहे होने में रहन दे फिर हम कितना दूंगा पल्लू ने मेरा व्रत तोड़वा दिया। हाँ गाइस नमकीन खिला दी। देखो गाइस गोलू की कॉल आती हुई बस आए रे यार न्योता देने गोलू को देख। अच्छा हेलो गाइस कर हेलो 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 गाइस मिलिए इस गोले राम से भी। सन्नी मामू मुझे दस दे दस या गाइस मिलिए मैं उसे दस से जरा मामू रफ सकल मामू दस क्या पूरे ब्लॉग गाय को मेरा मामू जो दस मामू है ए भी टाउन ही है यार मामू है। ओहो डांस तुम्हारा नहीं डांस डांस रो का डांस मामू और कुछ नहीं बस इतनी ही आई। हाँ आओ जाइए आई ब्लॉग बन रहा तुम्हारा। तो आपका चैनल क्या सब्सक्राइब नहीं करा एक बंदा जो परावा तू है मिन जो पता मैं कितने करवाए कितने नहीं मारते हैं वो तो आपको पता ही है ना तो मैं ज्यादा नहीं बता सकती। गाइस पहुंचा आती हूँ मैं इनको अब विदाई कर देती हूँ रुकना तो है नहीं इन्होंने। ए मेर जी मुँह उन खांदी बोलो गोलू आया था इन्हें देखी आओ गोलू वीडियो कॉल चला ना
ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਹੀ ਆ ਕੁੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਈਸ ਗਾਈਸ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਈਆ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੂ ਅਬ ਪੱਤੇ ਜੋ ਪੱਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਹਨ बाय बाय ठीक है क्या तीज तू चल रहे हो चलो फोन गाइस मेरे फोन की बैटरी लो गई थी तो मैंने भैया को फोन ले लिया उसमें अब ब्लॉग नहीं बन रहा था तभी मैं कम कम बना रही थी आज गाइज मैं आ गई अभी घर में और गाइज मैं पहले गई थी ताऊ के पास क्योंकि गाइज आज ताऊ को हो गई है छुट्टी हॉस्पिटल से तो गाइज एक दो दिन रहे वो उधर तो हम बहुत टेंशन में आ गए थे कि हम पता नहीं क्या हो गया एकदम से फिर मेरे को पता चला कि ताऊ आ गया वापस तो मैं क्या मिलाती हूँ उनसे फिर गाइज मैं सीधा उनके पास ही चली गई थी मिलने कि हाँ कैसे हैं भाई गाइज अच्छे हैं ठीक है ठीक हो गया आगे अच्छा हुआ तो गाइज जब शिवरात्रि थी ना उस दिन हुए थे ताऊ जी एडमिट बट गाइज मुझे पता ही नहीं था अब बाद में पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया मैंने सोचा पता नहीं कहीं फंक्शन में गए उन्हें तो गाइज क्या करें चलो अच्छा हुआ जो भी हुआ भगवान ने ठीक कर दिया तो गाइज और अभी गोविंद भैया वगैरह भी चले गए और गाइज गोविंद भैया ले गए हैं रसगुल्ले योमी योमी तो गाइज भैया वगैरह भी आए थे न्योंदर देने न्योता देने गाइज इन्विटेशन दिया हमें कि भैया की बहन की शादी है ना सोनू दीदी की अप्रैल में 11-12 को तो आए थे वो तब गाइज क्या बोलते कि आ जाना आप सभी तो गाइज अभी मैं अभी वो चले गए तो मैं अभी ब्लॉग को भी कर देती हूँ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक मैं शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक लिए टिक केयर एंड बाय बाय गाइज़